हेलो एंड वेलकम, मैं खांडे तारिक जेके सिविल सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि टॉप एमसीक्यूज मैं लेकर आया हूं। क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जीके है ये इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आपका होल्ड होगा उतना ही ज्यादा आप 20 एमसीक्यूज को वहां पर सॉर्ट आउट करने में आपको मदद जरूर मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। मैं ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो कि आने वाले टाइम में कांस्टेबल में, एनटी में, जूनियर असिस्टेंट में और मुख्तलिफ जो आने वाले एग्जाम्स है जिनकी नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, क्योंकि आपको पता ही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि 10,000 मोर पोस्ट जो है उनके एडवर्टाइजमेंट निकलने वाले हैं। आपको उन एग्जाम के लिए भी तैयार रहना होगा। कॉन्फिडेंट रहिए ताकि आपको मैं जो भी क्वेश्चंस पूछूंगा यहां से आप ये कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो हमारी टीम है, बैठी हुई टीम है, वो आपको पीडीएफ भी मुहैया करेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और पहला क्वेश्चन जो है वो है राजतरंगी के मुताबिक। राजतरंगी जो आपको पता ही है कि ये जो है ये रिवर ऑफ किंग्स भी कहते हैं। अगर हम आप देखोगे, अ बुक दैट ग्रेजुअली रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर इन द 12th सेंचुरी वाज रिटन बाय, आपको बताना है कि राजतरंगी जो है ये किसने लिखी है। तो आप इजीली पिक कर सकते हो कि ये कल्हाना ने लिखी है, कि जो कल्हाना थे इसके मुतलिक जितना ज्यादा इसने लिखा है एंशिएंट के मुतलिक। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, राजतरंगी किस लैंग्वेज में है? ये संस्कृत लैंग्वेज में है, ये भी याद रखिए कि राजतरंगी जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू हमारा क्लियर हो जाता है और यहां पर आप टिक कीजिएगा कल्हाना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है, विच इंडियन आर्मड फोर्स हैज लॉन्च्ड मिशन रीच आउट इन जम्मू। जम्मू की बात कर रहा हूं मैं वैली की बात नहीं कर रहा हूं, कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखेंगे कि इंडियन आर्मड फोर्सेज है, इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है और इंडियन कोस्ट गार्ड है। यहां पर आप पिक जो है आप ए बी और सी और डी। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि आप इजिली यहां से क्या कर सकते हैं कि इंडियन नेवी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर जो है आपको देखना होगा कि इंडियन आर्मी जो है उन्होंने मिशन रीच आउट, अगर आप देखना चाहोगे हिस्ट्री या किसी भी जगह आप जाना चाहोगे तो आप वहां पर देख लीजिएगा इस ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव जो है ये पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन को पूछेंगे बार बार यहां पर। मिशन रीच आउट यानी कि इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है मिशन रीच आउट इन जम्मू, तो इंडियन आर्मी पर आंसर जो है याद रखना, पिकअप करना यहां से, आंसर जो है सी पार्ट में आएगा और इंडियन आर्मी है। ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, बल्कि सी आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर हम पहुंचते हैं, यानी कि टॉप एमसीक्यूज में। जैसे कि मैंने पहले कहा कि टॉप एमसीक्यूज में आपको याद रखना है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 10 स्टेट इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। फिर से याद रखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री में कि 10 स्टेट इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में आपको याद रखना है। पहला जो है आप याद रख लीजिएगा ए पार्ट, जान चंद्रा घोष जो है, जनान चंद्रा घोष जो है, राजेश्वरी आचार्य जो है, काशीनाथ पंडित जो है, नान ऑफ द अबो। नान ऑफ द अबो जो है मैक्सिमम लिस्ट चांसेस होते हैं 30% या 20% जो है इस, यहां पर इन तीनों में से 100% में से तीनों में से एक आंसर जो है वो करेक्ट है। तो इजीली हम काशीनाथ पंडित को पिकअप कर सकते हैं और काशीनाथ पंडित जो है, काशीनाथ पंडित यहां पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन जो है पार्ट सी, यानी कि सी में आप पिकअप कर सकते हैं, काशीनाथ पंडित जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम पूछे हैं यहां पर चौथे क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फॉट ए वॉर विद द किंग ऑफ कश्मीर। इसे याद रखना, किंग फॉट ए वॉर विद द किंग ऑफ कश्मीर। तो यहां पर आपको इजिली ये जो आंसर है, यहां पर आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स में आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं ताकि मैं देखूं कि आप स्टूडेंट्स जो है कितना यहां पर हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उस हिसाब से मैं आपको और ज्यादा यहां पर एमसीक्यू लेकर आ जाऊंगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 पे जैसे हम पहुंचे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धिज्म स्प्रेड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। यहां पर आपको बताना है कि, पहले मैं आपको बता दूं बुद्धिज्म पर सबसे ज्यादा अगर देखेंगे, बुद्धिज्म पर सबसे ज्यादा अगर किंग की बात होती है, जैसे कि आप हिस्ट्री पे जाएंगे, और हिस्ट्री पे जाने से पहले हम आपको बता देते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे तो कनिष्का, कलशका, यहां पर अशोका जो है, इसको आंसर में याद रखिएगा, अशोका जो है ये बुद्धिज्म स्प्रेड करने में माहिर था। ठीक है, क्योंकि इसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा थी, नॉलेज बहुत ज्यादा होने के साथ ये चाहता भी था, क्योंकि इसको ज्यादातर चाहता था अपने कौम को ये जानना कि अशोका जो थे ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा, ताकि यहां पर उसका धर्म जो है ये ज्यादा से ज्यादा चले, क्योंकि ये पीस मानता था, एक धर्म को ये ज्यादा फॉलो करता था, वो होता था बुद्धिज्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 पे, अगर आप देखना चाहो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। यहां पर चिलकाला एक जो है उड़ीसा पूछा जा रहा है, यहां पर तोशामरी लैक जो है जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर कुकरचेरिया लैक जो है कर्नाटका के साथ, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कोर्स में आपको अब ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव जितना ज्यादा बढ़ेगा, कंपटीशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जितने ज्यादा आ जाएंगे, उतने ज्यादा कोर्स में अब क्वेश्चन आते जा रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहां पर लिया कोड में आपको पूछने के लिए, आपको बताना है कि चिलका लाइक उड़ीसा और यहां पर तोशामरी लाइक जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आएगा, या ऑनली वन आएगा, या नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, क्योंकि तीनों लाइक्स जो है वो अपने अपने स्टेट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और ये तीनों लाइक्स अपने अपने स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोड पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हम पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीर स्टैग इज फाउंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुंचे। तो ये जो है दाशीगाम, और ये भी याद रखिएगा दाशीगाम जो है श्रीनगर में है, यानी कि दाशीगाम सेंचुरी जो है श्रीनगर में है। तो आपको याद रखना होगा दाशीगाम जो है ये ओनली सेंचुरी है जहां पर आपको कश्मीरी स्टैग जो है वो फाउंड हो जाएगा, यानी कि मिलेगा वहां पे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जैसे हमने कंप्लीट किया तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं, यानी कि टॉप एमसीक्यूज में यहां पर पूछा जाएगा। टॉप एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है कि टॉप एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम पहुंचे, व्हाट इज द आईयूसी एंड स्टेटस ऑफ कश्मीर स्टेट स्टैग हॉंगल, व्हाट इज द आईयूसी एंड स्टेटस ऑफ कश्मीर स्टैग हॉंगल। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, व्हाट इज द आईयूसी एंड स्टेटस ऑफ कश्मीर स्टैग हॉंगल। ये क्वेश्चन जो है मैं श्योर के साथ कह रहा हूं पूछा जा सकता है, एंडेंजर्ड, थ्रेटनड, क्रिटिकली एंजर्ड या नियर थ्रेटनड, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। स्टूडेंट्स, एंडेंजर्ड तो नहीं है, थ्रेटनड तो नहीं है, लेकिन नियर क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है नियर थ्रेटनड में ये है। ठीक है, नियर थ्रेटनड में इसका आंसर जो है करेक्ट है, ऑप्शन डी पे अगर हम देखें तो। यहां पर आपको देखना है कि ये क्या ये आंसर जो है डी जो है ये मैंने करेक्ट बताया है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्योंकि यहां पर जो है यहां पर आपको देखना है क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ जाएगा या नियर थ्रेटनड आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से देखोगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर पार्ट सी जो है ये करेक्ट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि नियर थ्रेटनड कहीं कहीं पर बताया जा रहा है, लेकिन हिसाब अगर आप देखोगे ज्यादातर इसके बारे में मालूम करोगे तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटनर में नहीं आ जाएगा। क्यों, ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि खतरा लग रहा है कि कहीं ये इसमें ना जाए, दाखिल एंडेंजर्ड में ना आ जाए, और इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा यहां पर बताया गया है कि कश्मीरी स्टैग हॉंगल जो है इसको ज्यादा से ज्यादा बचाना है और सेंचुरी में प्रमिट करना है। अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है एमसीक्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछी जा रही है, पंजाबी जो है एंड गुजरी, ये बोली तो जाती है लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज में अभी तक इनको स्टेटस नहीं मिला है। बिल जो पास हुई है उसमें से बताया गया है कि 5 लैंग्वेज जो है जम्मू कश्मीर के वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसमें से आता है इंग्लिश, इसमें आएगा उर्दू, इसमें आएगा डोगरी, इसमें आएगा कश्मीरी। ठीक है, और इंग्लिश, उर्दू, डोगरी एंड कश्मीरी। और जो यहां पर है, यहां पर आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज है। तो यहां पर मैंने कहा इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, तो यहां पर आपको ये पिकअप हो गया ये आंसर, तो डोगरी यहां पर करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी जो है ये बोली तो जा रही है लेकिन ये जो है ये ऑप्शनल नहीं है। यहां पर अगर हिंदी होता तो हम ऑप्शनल लैंग्वेज को क्लियर कर सकते थे, अगर इंग्लिश होता तो यहां पर बताते। अब एक और एमसीक्यू आपका क्लियर हो गया कि टॉप 5 ऑप्शनल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से हैं, तो आपको आप इजीली यहां से पिकअप कर सकते हैं इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी एंड हिंदी। ठीक है, ये बोली तो जाती है लेकिन ऑप्शनल लैंग्वेज भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचे एक और क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फीमेल पोएट ऑफ कश्मीर। यहां पर आपको बताना है कि फर्स्ट फीमेल पोएट ऑफ कश्मीर कौन सी है। तो यहां पर इजीली जो है फर्स्ट फीमेल पोएट ऑफ कश्मीर जो है टैग दिया जाता है बी पार्ट, यानी कि लाल दैद, यहां पर आंसर करेक्ट है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए लाल दैद को हम क्या बोलते हैं और लाल दैद ने कौन कौन सी पोएट्री लिखी है ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो टॉप एमसीक्यूज में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विच इज द यूनियन टेरिटरी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है यूनियन टेरिटरी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है, विच इज द यूनियन टेरिटरी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये कश्मीर स्टैग है, मस्क डियर है, लीपॉड है या हिमालयन ब्लैक बियर है। ठीक है, लीपॉड तो नहीं हो सकता, मस्क डियर तो नहीं हो सकता, और कश्मीरी स्टैग जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचे हैं पापुर पे। पापुर अपलोड लोकली कार्डो वुडर इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैसा किसमें कमाया जाता है, सबसे ज्यादा पैसा जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सा सोर्स है, कौन सा ऐसा जरिया है जिससे हम पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। एप्पल भी है, एप्पल, यहां पर मैं एक और चीज यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, अगर एप्पल टाउन के बारे में होता तो यहां पर सोपोर है,
ये सोपोर एंड शुपेन है, लेकिन टैग मिला है ये शुपेन को, शुपेन को टाउन माना जाता है एप्पल के नाम से। और शुपेन जो है इसका जो पुराना नाम है वो क्या था, शुपेन को हम दो तीन नामों से पूछते थे यानी कि, लेकिन शुपेन जो है शुपुरा भी कहा जाता था, और इसका जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये हिली एरिया भी है, शुपेन जो है एप्पल टाउन के नाम से माना जाता है। चलिए यहां पर ये करेक्ट आंसर नहीं है, यहां पर सैफरान जो है, सैफरान जो है वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है क्रिएट करता है, और पापुर जो है ये सैफरान टाउन भी माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर, और ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहां पर हम सैफरान जो है करेक्ट करेंगे, और पापुर को हम एक और मैंने कहा एक और एमसीक्यू आपको क्लियर हो जाएगा, इसको कहते हैं सैफरान टाउन भी कहिए, और सबसे ज्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलिए अब हम पूछते हैं एक और क्वेश्चन नंबर, यहां पर जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में, जो पूछा जा भी चुका है, द उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर आप देख लीजिए बीज चनाब रवि एंड झेलम है, बीज चनाब रवि एंड झेलम, यहां पर ये आंसर जो है झेलम जो है करेक्ट है। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा, जितना ज्यादा मैंने पढ़ा है 480 मेगावाट जो है ये वहां पर झेलम दरिया से, जो झेलम दरिया है वहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसकी पैदा होती है। एक और जो है परहैप्स 10 आर 11 किलोमीटर की टैनल है, ठीक है, 10 आर 11 किलोमीटर की वहां पर शायद ये टैनल अंदरूनी बनाई गई है, अपलैंड से ये पानी आ जाता है जिसकी वजह से 480 मेगावाट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है क्रिएट हो जाती है। और ये किस पर है, उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आप झेलम को पिकअप कर लीजिए, ठीक है। अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्लियर हो गया। अब यहां पर पश्मीना शाल इज द वर्ल्ड फेमस शाल एंड इस फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर ऑप्शन ए जो है गोट, शीप, याक, बोथ ए एंड बी, फिर से याद रखना मैं कह रहा हूं गोट आएगा, शीप आएगा, याक आएगा, या बोथ ए एंड बी। तो यहां पर याक जो है इसको अगर हम काटेंगे, याक जो है अगर आप लद्दाख की साइड में, अगर ये लद्दाख साइड का पूछता, यहां पर लद्दाख साइड में, हाँ पश्मीना शाल इज द वर्ल्ड फेमस शाल एंड इस फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अगर लद्दाख की हम बात करेंगे तो लद्दाख में अगर ये ऑप्शन जो है, अगर ये ऑप्शन पूछा जाता तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाता, लेकिन याद रखना है बोथ ए एंड बी भी आ जाता है, लेकिन यहां पर आपको देखना है क्या ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है या ये लद्दाख की बात हो रही है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर गोट ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये बार बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा क्लियर हो गया है, मैंने फिर से कहा कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है, एक और क्वेश्चन में यहां से क्लियर करना चाहूंगा, ये जम्मू एंड कश्मीर जो थी ये एक स्टेट थी पहले, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होकर ये जो लद्दाख पार्ट अगर हम देखें, थोड़ा सा इमेजिनरी आप समझ लीजिए कि मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, लद्दाख जो है वो अब अलग यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू एंड कश्मीर जो है ये अलग यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो पूछा भी जाता है कि लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है एरिया वाइज के हिसाब से, तो आप लद्दाख पिकअप कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। यहां पर मैंने कहा कि ऑप्शन जो है ए पार्ट, विच माउंटेन, अब क्वेश्चन नंबर 15, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, जनस्कार, करोक्रम, यहां पर पीर पंजाल। तो मैं ऑप्शन नंबर सी पार्ट पे अगर हम देखें, पहले ही मैं यहां पर सी पार्ट को आपको करेक्ट करना चाहूं, सी पार्ट जो हमारा आ जाता है, सी पार्ट जो हमारा यहां पर आ जाता है धौलाधर, यहां पर कराकुरम बी पार्ट में, और पीर पंजाल आप इजीली यहां पर पिकअप कर सकते हैं कि पीर पंजाल के लिए जम्मू एंड कश्मीर वैली जो है ये मशहूर है, ठीक है। और पीर पंजाल जो है बाइफर्क ये एरिया को कट करता है वहां पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचे, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर हम बात करते हैं, द नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट जू जम्मू जू इज सिचुएटेड इन, क्या ये उधमपुर में है, श्रीनगर में है, पहलगाम में है, या नगरोटा में है। यहां पर इजीली स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस को पहले ही आप हटा सकते हैं, क्योंकि जम्मू की बात हो रही है, जम्मू जू की बात हो रही है, जैसे हम जम्मू जू की बात करेंगे तो यहां पर जम्मू जू अगर आप जम्मू कश्मीर की जहां पर जम्मू की बात कहे तो जम्मू, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है ये जम्मू जू जो है, थोड़ा सा मिलता जुलता है जम्मू के नाम से। तो यहां पर ये ऑप्शन ऐसे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी को हम कट कर सकते हैं, और ऑप्शन दो में से हम इजीली यहां पर पिकअप आंसर कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं। तो यहां पर आपको देखना है क्या ये नगरोटा है, क्या ये उधमपुर है, आपके लिए ऑप्शन छोड़ रहा हूं जम्मू स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन जो है आपके लिए है, आप मुझे बता दीजिए द नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट जू जम्मू जू इज सिचुएटेड इन, क्या ये उधमपुर में है, क्या ये नगरोटा में है, आप स्टूडेंट्स के लिए मुझे आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच वैली इज बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालयन रेंज,
विच वैली इज बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालयन रेंज। यहां पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वैली है जो कि पीर पंजाल और हिमालयन रेंज के बीच में आ जाती है। क्या ये कांगरा एंड कुल्लू वैली है, क्या ये कश्मीर वैली है, क्या ये दून वैली है, क्या ये चिनाब वैली है। आपको ऑप्शन पिकअप करना है, तो ऑप्शन हम पिकअप यहां पर कर सकते हैं। तो पीर पंजाल और हिमालयन रेंज के बीच में कौन आ जाती है, तो कश्मीर वैली को हम पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द पहलगाम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस जो है, बिल्कुल एग्जाम्स जेके एसएसबी में ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं या कभी कभार तीन ऑप्शंस जो होते हैं, वो बिल्कुल लगता है कि ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, एक ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे रियासी जो है जम्मू साइड पड़ता है, यहां पर अगर हम देखेंगे डोडा साइड जो है ये जम्मू साइड में पड़ता है, एक और ऑप्शन जो है डोडा साइड जो है ये मैसूर है। मैं सुबह ही थोड़ा सा पढ़ रहा था और डोडा को मैंने देखा कि ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया माना जाता है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे डिफरेंट वैरायटीज, ऐसी वैरायटीज बहुत ज्यादा निकलती है और इसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, और खूबसूरती के लिए भी डोडा बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, तो रियासी भी कुछ कम नहीं है, लेकिन मैंने अभी डोडा की बात कही, अनंतनाग की बात यहां से हम करेंगे। अनंतनाग ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर कुलगाम को हम क्या कहते हैं, कुलगाम जो है ये सिमनान रहमतुल्लाह अला के नाम पर इसने कुलगाम को क्या दिया है, कुलगाम खिताब दिया है। अनंतनाग जो है अनगिनत नाग, अनगिनत जो है चश्मे जो है, अनगिनत जो है स्प्रिंग्स जो है, इसीलिए हम कहते हैं अनंतनाग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर आपको देखना है खरीफ क्रॉप कौन सा है, मास्टर तो नहीं हो सकता, लाइन सीड तो नहीं हो सकता, पी तो नहीं हो सकता, ग्राउंड नट जो है 4000 हेक्टेयर में अगर आप देखेंगे, या 4000 में से अगर इंडिया लेवल में हम देखेंगे सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर तेल जो है इसी ग्राउंड नट से निकाला जाता है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप जो है ग्राउंड नट को ये टैग दिया जाता है, और ग्राउंड नट जो है ये यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अब हम पहुंचते हैं टॉप 20 पे, यानी कि टॉप 20 जो एमसीक्यूज मैंने कहा था, टॉप 30 एमसीक्यू, वहां पर हम क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है और क्या पूछा जाएगा। विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, याद रखिएगा विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। हॉटेस्ट मंथ आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन का कौन है, तो सितंबर तो नहीं हो सकता, जून तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर आप इजीली आंख बंद करके आप जून को दीजिए और जून ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अगस्त नहीं आ जाएगा, मार्च जो है अगस्त होते होते ही थोड़ी सी सर्दी शुरू हो जाती है, और सितंबर में तो बिल्कुल आने वाली, आप देख भी रहे हैं आजकल, आप देख भी रहे हैं सितंबर से ही थोड़ी थोड़ी सी बारिश होनी शुरू हो जाती है, और मार्च जो है ये गर्मी स्टार्ट होने का टाइम होता है, जिसको हम कहते हैं कि मॉनसून, थोड़ा सा यहां पर गर्मी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जून से ही मॉनसून स्टार्ट होता है, तो जून ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम चलई कलान इज ऑफ डेज, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 है, चलई कलान कितने दिन का होता है। चलई कलान का मतलब यानी कि चिल्ला जो होता है 40 दिन का होता है, चिल्ला जो है 40 दिन का, याद रखना स्टूडेंट्स, तो 30 दिन का नहीं हो सकता, ये 50 डेज का भी नहीं हो सकता, ये 40 दिन का है, तो चिल्ला यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। चलई कलान इज ऑफ डेज 40 डेज यहां पर हम पिक कर सकते हैं, 40 डेज जो है करेक्ट ऑप्शन है, आंख बंद करके आंसर वहां पर पिक कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है, यहां पर रबी क्रॉप के बारे में बताया जा रहा है कि रबी क्रॉप जो है कौन सा है, वीट है, राइस है, कॉटन है, मेज है। ठीक है, रबी क्रॉप के बारे में पूछा जा रहा है, खरीफ क्रॉप के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, रबी क्रॉप के बारे में पूछा जा रहा है, और ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हम कह सकते हैं। अगर वैली का पूछा जाएगा तो वैली, कश्मीर वैली का जो है क्या वीट है, राइस है, कॉटन है, लेकिन अगर स्टेपल फूड की बात हम करेंगे, स्टेपल फूड ऑफ वैली अगर आप देखोगे, वैली का अगर हम देखेंगे तो वो राइस है, लेकिन अगर आप जम्मू साइड में जाओगे तो वहां पर वीट है, वीट को ज्यादा तरजीह दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, यहां पर आपको बताना है कि रबी क्रॉप कौन सा है यूनियन टेरिटरी के लिहाज से आपको बताना है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, तो वीट जो है यहां पर करेक्ट है, और रबी क्रॉप जो है यहां पर राइस जो है स्टेपल क्रॉप माना जाता है, तो यहां पर अगर कश्मीर में आ जाए तो राइस, और अगर जम्मू साइड से तो वीट है। ठीक है, चलिए आप ऑप्शन में लिख लीजिएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, वीट, राइस, कॉटन, मेज, ऑप्शन चारों के चारों खुले छोड़े हैं, आप पिकअप कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आप पहुंचते हैं, इन जम्मू एंड कश्मीर शुगर केन इज ग्रोन इन ऑल पार्ट्स ऑफ जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन ओनली, ऑल पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू पार्ट्स एंड इट्स एनवायरनमेंट्स। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी को पिकअप कर लीजिएगा, ऑप्शन डी जो है जम्मू पार्ट्स एंड इट्स एनवायरनमेंट्स ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स एंड वॉलनट्स। क्या जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है,
तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा क्लियर हो जाता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स एंड वॉलनट्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ कश्मीर एप्पल। डेलिशियस होता तो मैं आपको कहता कि हाँ अमरी, गोल्डन, ये तीनों की तीनों वैरायटीज जो है यहां पर, ये तीनों की तीनों वैरायटीज जो है ये एप्पल वैरायटीज मानी जाती है। यहां पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर ध्यान रखना जेके एसएसबीसी स्टूडेंट्स जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते जा रहे हैं, कभी कभार हम फ्लो हो जाते हैं। जब हम फ्लो हो जाते हैं तो फ्लो होने से क्या हो जाता है कि हमें इस बोर्ड की तरफ नजर नहीं पड़ती है, इज नॉट ए वैरायटी ऑफ कश्मीरी एप्पल, तो यहां पर हम नॉट भूल जाते हैं, फिर ऑप्शन गलत हो जाता है। पूरा आंसर पढ़ लीजिएगा, ऐसे आंसर को पढ़ लीजिएगा तो फिर आप यहां पर ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट इजिली आप कर सकते हैं, आंख बांध करके, कागजी है क्योंकि ये अखरोट में आ जाता है, ठीक है। एक वैरायटी जो है ये नट की एक वैरायटी है कागजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है कांस्टेबल जो है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम रिलेटेड और एनटी रिलेटेड एग्जाम जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें ये पूछा जा सकता है कि सैफ्रन मिशन वाज लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ विच योजना, क्योंकि आज वो क्योंकि योजनाओं के मुतालिक भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज अभी आने वाले हैं, आप इंतजार कीजिए कि हम कितने एमसीक्यूज लाएंगे योजनाओं के मुतालिक भी। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, फिर पहले ही मैं बता देता हूं ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, ये जो है यहां पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसको भी हम कट मारते हैं या कट करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आ जाएगा, या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं यहां पर सैफ्रन जो है कौन सा टाउन है, सैफ्रन जो है पांपुर, लेकिन पुलवामा में क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत ज्यादा अच्छी निकलती है सैफ्रन की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेपल फ्रूट ऑफ कश्मीर, मैंने पहले कहा था, अभी मैंने क्लियर किया था पहले वाले एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेपल फ्रूट ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू की बात, मैंने पहले कहा। यहां पर भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पहले का ये वर्ड आप देख लीजिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए वहां पर एग्जाम में, जितना ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान होगा ऑप्शन को चूज करना। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि राइस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंचते हैं, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रन इन द वर्ल्ड आफ्टर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, यहां पर इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत जो है, यहां पर आपको देखना है ईरान जो है, ईरान नंबर वन सैफ्रन में मशहूर है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है ये मशहूर है, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट नंबर के, इनके सेकंड नंबर पे आ जाता है सैफ्रन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या पूछता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये हमसे पूछता है व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ जम्मू डिवीजन, व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ जम्मू डिवीजन, व्हीट, पैडी, मेज, ऑल ऑफ दीज। जम्मू डिवीजन जो है ये तीनों के लिए मशहूर है, व्हीट के लिए भी मशहूर है, पैडी के लिए भी मशहूर है, और ये जो है मेज के लिए भी मशहूर है। ऑल ऑफ दीज यहां पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिएगा ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट आर द मेन वराइटीज ऑफ मेज क्रॉप, व्हाट आर द मेन वराइटीज ऑफ मेज क्रॉप ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो यहां पर आपको देखना है कि कौन सा मेन वराइटी जो है, व्हाट आर द मेन वराइटीज ऑफ मेज क्रॉप ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। कंपोजिट C5 है ट्रकुटा, कंपोजिट 6 शालीमार, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। आप आंख बंद करके वहां पर आंसर लिखना, लेकिन ये नोट करते जाना, अगर स्क्रीनशॉट भी उठाओगे स्टूडेंट तो स्क्रीनशॉट भी उठाना, ये पूछा जाएगा। लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे डाले हैं जो कि पूछे जाएंगे, आपके हिसाब से लगता होगा कि ये इजी है क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप खंगालोगे पिछले वाले सॉर्ट आउट करोगे पिछले पेपर्स को, तो ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे लाए हैं जो कि दो तीन नहीं बल्कि मुख्तलिफ एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये जरूरी तो नहीं है कि आप नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे, और ऐसे भी क्वेश्चन जो नहीं पूछे जा चुके हैं लेकिन एग्जाम में अब पूछे जाएंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है यहां पर मैंने आपके लिए लाया है, और ये क्वेश्चन जो है याद रखिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो बोथ एंड बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है, बोथ एंड बी, कंपोजिट C5 ट्रकुटा एंड कंपोजिट 6 शालीमार। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे हम पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो है मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन नंबर 30 के टॉप एमसीक्यूज है, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं यहां पर पूछने जा रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर हैज सॉट जेट टैग फॉर गुच्ची इन, बहुत ज्यादा पढ़ा है इसके मतलब 15 सितंबर 2003 इंडिया ने जीआई टैग जो है गुच्ची जो है जीआई टैग जो है वो लॉन्च किया है, ताकि जो है डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस को जियो टैग जो है जीआई टैग जो है दिया जाए, और जीआई टैग के देने से क्या होगा इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज सॉट जीआई टैग फॉर गुच्ची इन। जब मैंने यहां पर देखा 2010 दिया हुआ था, 2011 2016 यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर मुख्तलिफ साइड्स में लिखा जाता है 2022 में जीआई टैग फॉर गुच्ची इन मशरूम को दिया गया है 2022 में, याद रखना।
फिर से मैं कह रहा हूं, यहां पर ऑप्शन जो है 2010, 2020, 2011, 2016, लेकिन जैसे मैंने खंगाला बहुत सारी बुक्स को पढ़ा जम्मू कश्मीर के मुताबिक, तो वहां पर देखा कि जियो टैग जो है करंट, जैसे जीके पढ़ा जम्मू कश्मीर के मुताबिक, तो वहां पर लिखा गया है 2022 जो है। फिर से मैं कह रहा हूं 15 सितंबर 2003 में लॉन्च किया गया था ये होल इंडिया में। जे टैग इसलिए दिया गया था ताकि जो है बहुत सारी वैरायटीज को या बहुत सारे जो एनवायरमेंट में या बहुत सारे जो ज्योग्राफिक में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ताकि इनको थोड़ा से फंड्स में इनको मदद मिले। और ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो था वो टॉप 30 पे था, 31 एमसीक्यूज आपके क्लियर हुए हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए आ रहे हैं। हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए, जेके सिविल सर्विस, मैंने पहले ही कहा, आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे और अच्छे अच्छे कमेंट से हमारा स्वागत कीजिएगा। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट की जितनी ज्यादा हमें जरूरत है, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एमसीक्यूज लेकर आएंगे। थैंक यू। मैं था खांडे तारिक, सिविल सर्विस।